जय हिंद। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे दर्पण क्या होता है। तो चिकने पारदर्शी माध्यम के तल को किसी एक तल को अगर कलई कर दिया जाए, चिकने पारदर्शी माध्यम तल को किसी एक तल को अगर कलई कर देते हैं तो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। जैसे आपके जो घरों में जो शीशा लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है बाल झाड़ने के लिए, वो अगर उसको हम खोल के देखेंगे तो उसमें पीछे एक क्या होता है, कलई किया जाता है, जिससे वो परावर्तक पृष्ठ बन सके। तो क्या है? एक दर्पण है। तो अब देखेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। तो समतल दर्पण पहले देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, मान चलिए कोई यहाँ पे पृष्ठ है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसी को क्या कहते हैं, समतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसी को क्या कहते हैं, समतल दर्पण। यहाँ पर मान चले क्या है, समतल दर्पण है, ये कलई किया गया है। एक पृष्ठ पे क्या किया गया है, परावर्तक पृष्ठ बनाने के लिए कलई किया जाता है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये बीच में अभिलंब है। तो क्या है, एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण। ये क्या है आपका, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। इसका समतल दर्पण का इंग्लिश होता है प्लेन मिरर। यहां पर लिख देते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब दूसरा देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण उसका इंग्लिश होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब देखेंगे गोलीय दर्पण यहां पे, अब इसको मिटा देते हैं। अगला है गोलीय मिरर, गोलीय दर्पण। दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। इसका इंग्लिश होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो मान के चलिए कोई कांच का खोखला गोला हो, कोई कांच का खोखला गोला हो, अगर हम उसको बीचों बीच से काट देते हैं, बीचों बीच से काट देंगे तो क्या बन जाएगा, दो कटोरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कटोरा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मान चलिए कोई कांच का खोखला गोला है, ये क्या है, कांच का खोखला गोला है। अगर हम इसको बीचों बीच काट देते हैं, बीचों बीच काट देते हैं तो क्या बन जाएगा, दो कटोरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दो कटोरा। तो मान चलिए इस कटोरा को इधर हम बना देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, और इस कटोरा को हम इधर बना देते हैं, दोनों कटोरों को हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक। अब इसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। यहाँ पे एक पृष्ठ पे हम कर देते हैं कलई, चांदी का लेप लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा गोलीय दर्पण। ये क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब ये क्या है, कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, यानी धंसा हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, वो क्या होता है, अवतल दर्पण। तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर दबा हो, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, वो क्या होता है, अवतल दर्पण। अब इसको देखेंगे, अब इसको अंदर की तरफ कलई कर देते हैं, उत्तल दर्पण बनाते हैं, इसको क्या बनाते हैं, उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। जिसका उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक जो पृष्ठ होता है ऊपर की ओर उभरा हो, यानी ऊपर की ओर उठा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। जिसका उत्तल दर्पण का मतलब होता है जिसका एक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उठा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण है। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ये अभिलंब है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ये क्या हो गया आपका, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये है परावर्तक पृष्ठ, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। क्या है, ये अवतल दर्पण है, अवतल, अवतल दर्पण है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो,
वो क्या होता है अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उठा हो वो क्या होता है उत्तल दर्पण। तो ये है आपका, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है ऊपर की ओर उभरा हुआ है यानी उठा हुआ है, ये क्या है परावर्तक उत्तल दर्पण, और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है ये क्या है अवतल दर्पण। इसी को क्या कहते हैं गोलीय दर्पण, क्या बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।